नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और अंग्रेज के बारे में बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, कौन सी कंपनी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि फ्रांस के सम्राट लुई, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के सम्राट लुई के 14 नंबर मंत्री कोलबर्ट की सहायता से इस कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में। ठीक है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में कोलबर्ट की सहायता से। याद रखिएगा, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे ना, ये सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, इसलिए इस कंपनी को सरकारी व्यापारी कंपनी कहा जाता है। आपको चार कंपनी ऑप्शन में दे देगा, डच दे देगा, अंग्रेज दे देगा, पुर्तगाली दे देगा, फ्रांसीसी दे देगा। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कौन सी कंपनी सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए इसको सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना यदि पूछेगा कब खोला, तो 1668 में सूरत में खोला था। कहां? सूरत में। दूसरा कारखाना 1669 में मुसलीपट्टनम में खोला था। तो पहला कारखाना सूरत 1668, दूसरा कारखाना मुसलीपट्टनम 1669 में खोला था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो ठो नाम आप लोगों को याद रखना है, फ्रांसवा मार्टिन और वेलंगर द लेस्पिन। क्या नाम बताएं? फ्रांसवा मार्टिन और वेलंगर द लेस्पिन। इन दोनों ने, बालीकोंडपुरम का एक मुस्लिम सूबेदार था, नाम था उसका शेरखां, तो शेरखां से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था, उस गांव का नाम था पुद्दुचुरी। क्या नाम बताएं? पुद्दुचुरी। फ्रांसीसियों ने इस पुद्दुचुरी पर अधिकार करने के बाद यहीं पर इन लोगों ने पौंडेचेरी की नींव डाली थी। तो याद रखिएगा, पौंडेचेरी का स्थापना किसने किया? तो फ्रांसीसियों ने किया। तो पौंडेचेरी की जो नींव डाली ना इन लोगों ने, कब डाला? तो याद रखिएगा 1673 में। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, 16 से कितना बताएं? 73 में। आगे चल करके याद रखिएगा 1693 में, 93 में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडेचेरी को छीन लिया। छीना कब? 1693 में। फिर याद रखिएगा, कुछ दिन के बाद डच और फ्रांसीसी के बीच में एक हो जाता है समझौता। तो कौन सा समझौता होता है? तो रिजविक समझौता, डच और फ्रांसीसी के बीच में। कब होता है? तो 1697 में। तो जब ये रिजविक समझौता होता है ना, इस समझौते के बाद याद रखिएगा, डचों ने जो फ्रांसीसियों से पौंडेचेरी छीना था ना, डच ने इसको वापस दे दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रिजविक समझौता कब हुआ था? 1697 में। और इस समझौते में हम आपको बता रहे हैं कि डचों ने फ्रांसीसियों को पौंडेचेरी लौटा दिया था। छीना कब था? 1693 में। लौटाया कब? 1697 में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था शुरुआत में, तो इसका भी उद्देश्य क्या था? तो ये भी वही व्यापार वगैरह करता था, ठीक। लेकिन याद रखिएगा 1742 का बात हम आपको बता रहे हैं, एक गवर्नर बन करके आया डुफले। ये जो डुफले आया रहा गवर्नर बन के, इसका नेचर थोड़ा बदला सा था। इसने क्या किया, इसके लिए व्यापारिक लाभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया राजनीतिक लाभ, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप लोग, हम मान लीजिए कहीं व्यापार करने के लिए जाते हैं, व्यापार को छोड़ करके यदि हम राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं या धर्म में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहां से मेरा बर्बादी शुरू हो जाएगा। तो 1742 में जब, याद रखिएगा, डुफले आया, कब आया? 1742 में। तो डुफले जब आया, तो इसके लिए याद रखिएगा व्यापार से ज्यादा इंपॉर्टेंट राजनीति हो गया। तो यहीं से कहा जाता है कि बर्बादी इसका शुरुआत हो गया। और याद रखिएगा 1768 तक ये कंपनी पूरी तरह से क्या हुआ था? खत्म हो गया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस पर अधिकार किया, 1725 में याद रखिएगा माही पर अधिकार किया, और 1739 में कारीकल पर भी अधिकार किया था, है ना। और इसका बर्बादी आपको क्वेश्चन में यदि पूछ देगा, तो वही डुफले जब आता है 1742 में, उसके बाद इसका बर्बादी शुरू हो जाता है, क्योंकि व्यापारिक लाभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राजनीतिक लाभ। देखिए, इसके अलावा भी और भी कंपनी आया था भारत में, जैसे कौन सी कंपनी? तो एक कंपनी आया था याद रखिएगा, स्वीडिश कंपनी। तो स्वीडिश कंपनी जो बता रहे ना, इसका स्थापना देखिए 1731 में हुआ था। अब इस कंपनी के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इसका व्यापारिक संबंध ज्यादातर चीन के साथ था। तो बस आपको याद रखना है कि
कि स्वीडिश कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1731 में हुआ था, बस आपको इतना याद रखना। यह भी एक यूरोपीय कंपनी थी। इसके अलावा एक और कंपनी था ऑस्टेंड कंपनी, तो ऑस्टेंड कंपनी जो बता रहे हैं इसका भी स्थापना 1772 में हुआ था और यह कंपनी आया था और कुछ दिन तक रहा, उसके बाद यह कंपनी खत्म हो गया था। तो बस आपको दो लाइन याद रखना है, स्वीडिश कंपनी 1731 और ऑस्टेंड कंपनी 1772 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हम आपको फ्रांसिसियो के बारे में बता दिए हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, याद रखना आप लोगों को। तो यूरोपीय कंपनी वाला जो टॉपिक है ये हम आप लोगों को बता के कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है, यदि किसी को क्लास करने का है एसएससी जीडी का, जूम एप्लीकेशन में क्लास होता है, ठीक है, यदि क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।